जिले की सभी नदियां खतरे के निशान के नीचे बह रही हैं, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि राप्ती और घाघरा दोनों ही खतरे के निशान से नीचे आ गई हैं। राप्ती नदी खतरे के निशान से करीब 67 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बाढ़ आने की वजह से जो पानी में फैलाव हुआ था, जिसके कारण अभी भी कुछ क्षेत्रों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि जनपद में 1,24,412 बाढ़ राहत खाद्यान्न किट का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा, जिनके फसलों का नुकसान हुआ है वो अपना नाम कंप्यूटर पर दर्ज कराकर उचित मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जिनका भी घर बाढ़ से गिर गया है और उनका नुकसान हुआ है, वह अपने संबंधित लेखपाल को सूचित कर दें, जिससे उनके खाते में मुआवजे की धनराशि पहुंचाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जनपद गोरखपुर में राप्ती और घाघरा दोनों ही खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। जो अभी पूर्व में बाढ़ आई थी, उनकी वजह से जो पानी का फैलाव हुआ, इसके कारण अभी जगह जगह जलजमाव है। हम लोगों ने इस जनपद में लगभग 125,000 राशन किट का वितरण कर दिया है। अभी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो फसलों की क्षति हुई है, उनकी रिलीफ खतौनी बनाई जाए, कंप्यूटर पर एंट्री कराई जाए, वो कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के घर गिर गए हों या ऐसी कोई हानि हो गई हो, तो उनसे अनुरोध है कि वो अपने संबंधित लेखपाल को तुरंत सूचित कर दें, रिपोर्ट भिजवा दें, उनके खाते में जो मुआवजे की धनराशि पहुंच जाएगी। सर, बारिश की कुछ संभावना बन रही है आने वाले दिनों में? बारिश अभी छुटपुट चलती रहेगी, लेकिन उसकी वजह से बाढ़ की संभावना नहीं है। सर,